राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार सुबह 11 बजे हंगामे के साथ शुरू हुआ और करीब 45 मिनट बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने सदन में जमकर नारेबाजी की और स्पीकर से प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की जगह संविधान बचाने की शपथ दिलाने की मांग की। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण न होने पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए और इस संविधान को चैलेंज करने का करार दिया। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जवाब देते हुए कहा कि दूसरे सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण जरूरी नहीं है। यह जवाब सुनकर विपक्षी दलों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहसबाजी हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये दूसरा सत्र है, इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण जरूरी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, जब भी नया सत्र शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये संविधान को चैलेंज किया गया है, देश में जिस तरह का माहौल है वह अच्छा नहीं है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपने संबोधन में संविधान के अनुच्छेद की जगह संविधान की धारा बोल गए। जूली के संबोधन पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने एतराज जताया। इस दौरान विपक्ष ने वेल में आकर विरोध किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।